सपना देखना हर व्यक्ति को पसंद है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपना शुभ फल देता है तो कोई अशुभ फल देता है। इसके साथ ही क्या सपने में आपने कभी स्वयं की मृत्यु या किसी और की मृत्यु को देखा है? अगर देखा है तो जानिए कि स्वप्न शास्त्र में खुद की मृत्यु देखना या किसी अन्य की मृत्यु को देखना या बात करना किस बात का संकेत देता है, क्योंकि सपना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसी के अनुसार जानिए ज्योतिष आचार्य से स्वप्न शास्त्र में क्या बताया गया। देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार जो कुछ भी हम स्वप्न में देखते हैं वह एक प्रकार का इंडिकेशन है, एक दिशा निर्देश है, संकेत है। आगामी भविष्य में हमारे साथ जो कुछ भी घटना होने वाली है या हो सकती है, इसका वह एक संकेत है। स्वप्न का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध होता है। जब हम ध्यान की या निद्रा की बहुत गहन अवस्था में चले जाते हैं तब हम स्वप्न देखते हैं, और उन स्वप्न के द्वारा जो भी शुभ या अशुभ उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, उन फलों का, उन परिणामों का हमारे स्वप्न से बहुत संबंध रहता है। जैसे स्वप्न में यदि हम स्वयं की मृत्यु देखते हैं तो ये देखने में तो डरावना है, व्यक्ति भयभीत हो जाता है, लेकिन इस स्वप्न का परिणाम शुभ है, ये आपकी दीर्घायु या लंबी आयु को इंगित करता है। इसी प्रकार यदि हम स्वप्न में अपने पिता को देखते हैं या पितरों को देखते हैं, या हम स्वप्न में अपने स्वर्गीय पिता पितरों को देखते हैं या उनसे वार्तालाप करते हैं, तो ये भी एक शुभ शकुन है। इसमें हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति, ऐसा हमको संकेत देता है। किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं या किसी व्यक्ति की बार बार मृत्यु यदि हम स्वप्न में देखते हैं तो यह संकेत ठीक नहीं है, ये हमारे जीवन में किसी विपत्ति के, किसी संकट के आने का संकेत है। इसी प्रकार यदि हम किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं या उस बीमार व्यक्ति की स्वप्न में हम मृत्यु देखते हैं तो यह संकेत भी ठीक है, तो वो संकेत है। इस संकेत का, इस स्वप्न का फल यह है कि वह व्यक्ति शीघ्र ही उस रोग से मुक्त हो जाएगा।